जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको SSCGD प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अल्फ़ाबेट का जो कल पिछला सेशन में हम लोग जितना अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन को किए हैं उससे आगे हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि चैप्टर वाइज भी पढ़ ली और प्रैक्टिस सेशन भी हमारा प्रैक्टिस भी हो गया क्वेश्चन का। ज़्यादा इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाले हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील किया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस का अभ्यास बने। देखिए क्वेश्चन हम आपको जो कल कराए थे सिंपल पैटर्न पर क्वेश्चन करा दिए थे, अब हम आपको कराएंगे रिवर्स पैटर्न पर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम कहाँ तक किए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं, तीसरा अक्षर के दाएं, चौथा अक्षर क्या होगा, ऐसा हम क्वेश्चन कराए थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन क्या करानी है हम आपको बताते हैं। आपके सामने लैंग्वेज में ऐसे रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दी जाए। किस क्रम में? विपरीत क्रम। कल तो हम सीधा क्रम पढ़ लिए हैं, विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो होगा क्या? होगा क्या हम आपको बताते हैं कि ये अब ए से जेड तक नहीं, अब आपको दिखेगा जेड से कहां तक, ए तक। और जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम आपको उसका तरीका बताते हैं। अगर आपसे पूछता है कि लेफ्ट से वन पे कौन होगा, आप बताओ लेफ्ट से वन पे कौन होगा। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिए हैं तो लेफ्ट से वन पे, लेफ्ट बोले तो शुरू होता है, लेकिन इसमें तो शुरू जेड से हुआ होगा क्योंकि विपरीत क्रम में लिख दिए हैं। तो लेफ्ट से वन का पूछता है तो आप तो पहले सीधे सीधे आप सोचो कि लेफ्ट पे वन पे अगर विपरीत में ना लिखे तो क्या होता है। आप कहेंगे सर नहीं लिखेंगे तो लेफ्ट से एक पे ए आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दी जाए। जब विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो आप ए का अपोजिट डायरेक्शन बताओ क्या होता है, जेड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रामबाण है, ऐसे अगर हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत तेजी में क्वेश्चन उड़ेगा। अब अगर 27 में से घटा के 22 में से घटा के ऐसा सिचुएशन को लगाएंगे तो थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लेफ्ट से पांच पे बताओ कौन आता है। आप सीधे सीधे सोचो कि लेफ्ट से पांच पे कौन आता है, आप कहेंगे सर ई आता है, हमको तो याद आप करा दिए हैं। लेफ्ट से पांच पे कौन आता है, ई आता है। लेफ्ट से पांच पे अगर ई आता है, लेफ्ट से पांच नंबर पे अगर ई आता है, कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में लिखा हुआ होता है तब। लेकिन इसमें क्या है, विपरीत है, तो बताओ ई का विपरीत क्या होता है। भैया भी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपको। कहता है लेफ्ट से 10 पे बताओ क्या होगा, लेफ्ट से 10 पे होता क्या है, जे होता है। अगर सीधा क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर आप जे देते, लेकिन विपरीत है तो जे का विपरीत क्या होता है, क्यों, जेब कतरा, हम आपको कल ही पढ़ाए हैं, ट्रिक बताए हैं इसका। अगर कहता है लेफ्ट से 15 पे बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से 15 पे रियल में तो ओ होता है, लेकिन विपरीत कर दिया है तो आप भी विपरीत कर दो। ओ का विपरीत क्या होता भैया, एल होता है, एल हमारा आंसर हो गया। बात बुझा रही ना। अगर कहता है कि आर से, एल से नहीं, अब कहता है आर से, आर से 20 पे कौन होता है, आप कहेंगे सर आर तो हमारा दुश्मन है, इसको सबसे पहले एल में कन्वर्ट करा दीजिए। आप एल में जैसे ही कन्वर्ट कराएंगे कैसे घटा है, कल ही हम आपको सिखा दिए 27 में से घटाना होता है, 27 में से 20 को घटाएंगे 7 आएगा, 7 पे कौन आता है भैया, जी आता है। लेकिन जी कब, जब सीधा क्वेश्चन रहेगा तब। अगर उल्टा है तो आप सीधे इसको टी मारो, यानी कि दाएं से जो हमारा 20वां होता है वो कौन होता है, टी होता है। आप चाहो तो विपरीत क्रम में लिख के उसको आप कर सकते हो। एक चीज हम आपको और बताते हैं, अगर राइट से बोलता है तो अगर आपके क्वेश्चन में आ एल है तो आप सोचेंगे कि ये हमारा आर है, तो आप एक लाइन में भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आर 20 बताओ, इस आर को भूल के हम इसको डायरेक्ट क्या मानेंगे कि ये एल है, क्योंकि विपरीत में लिखा है। आर 20 को एल 20 मान लेंगे और एल 20 अब सीधे डायरेक्ट मारेंगे सर एल 20 टी 20 टी 20 पे, एल से शुरुआत से 20 पे कौन होता है, टी होता है, उड़ा दो क्वेश्चन को। अगर कहता है आर 15 क्या होगा, ये आर 15 किस क्वेश्चन में, विपरीत वाला में, विपरीत वाला क्वेश्चन है, काटो इसको एल बनाओ, एल से 15 पे क्या आता है, ओ आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगानी आपको। अगर आपके सामने आता है कि आर 22 बताओ, आर 22 कहता है विपरीत क्रम का क्वेश्चन है, इसको हटाओ उड़ाओ एल लगाओ इसको, एल 22 पे कौन आता है, भी आता है, भी हमारा आंसर हो गया। बात बुझा रही ना, ये तो सिंगल पैटर्न हुए। अगर हम कहते हैं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा दे दिया हो, इसको एक स्टेप ना करके दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, छह स्टेप, कितना भी स्टेप कर दे तो भी हम उसका तरीका आपको बता दिए हैं। अगर कहता है कि L5, L2, R1, R8,
इज इक्वल टू व्हाट? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में सजा दिया जाए तो बाएं से पांचवा के बाएं, पांचवा के दाएं, एकवा के दाएं, आठवा अक्षर कौन होगा? अब देखो ये एल है, फाइव है, एल के बाद एल आएगा तो माइनस में आएगा, एल के बाद आर आएगा तो प्लस में आएगा, एल के बाद आर आएगा तो प्लस में आएगा आठ। देखो ये हमारा बेस होता है, हम आपको कल ही बेस बिल्कुल बता दिए हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा, उस पर जाके अल्फाबेट का पहला वीडियो देख लीजिए, वहां से देखने के बाद यहाँ आएंगे तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। एल फाइव, एल के बाद एल मिलेगा तो हमारा माइनस में आएगा, एल के बाद आर मिलेगा तो प्लस में आएगा, बस एक ही रामबाण है इसका। अब बताओ इसके पहले क्या है? प्लस पाँच, पाँच एक छः आठ, आठ छः चौदह, प्लस वाला जोड़ लिए चौदह आया, दो हटा देंगे, चौदह में से दो गया बारह, लेफ्ट से बारह। आप बताओ भैया लेफ्ट से बारह पे आता क्या है? आप कहेंगे सर लेफ्ट से बारह पे एल आता है, लेकिन क्वेश्चन किस चीज़ का है? विपरीत का। तो विपरीत इसका मारो, एल का विपरीत क्या होता है भैया? एल का विपरीत ओ होता है, बात बुझा रही ना? अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि आर टेन एल टू आर फाइव एल वन एल सिक्स आर थ्री एल टू इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है, क्या करेंगे? पहले बेस को पकड़ेंगे, बेस हमारा कौन है? पहला ही बेस हो जाता है, पहला बेस हो गया हमारा आर, उसके बाद क्या है टेन ले लिए, अब आर के बाद एल आया तो प्लस में चलेगा, आर के बाद आर आया तो माइनस में चलेगा, आर के बाद एल आया प्लस में चलेगा, आर के बाद एल आया प्लस में चलेगा, लेकिन आर के बाद आर आया तो माइनस में चलेगा, आर के बाद एल आया तो प्लस में चलेगा, आर के बाद एल आएगा प्लस में, आर के बाद आर आएगा माइनस में, एल के बाद एल आएगा माइनस में, एल के बाद आर आएगा प्लस में, यानी कि सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। अब आप कर लो इसको, दस दो बारह, बारह एक तेरह, तेरह छः उन्नीस, दो इक्कीस, आर इक्कीस इसको आप कह सकते हो, आर इक्कीस माइनस में क्या है? पाँच है, तीन है, आठ है, इक्कीस में से अगर हम एक घटाएंगे तो बचेगा बीस, सात घटाएंगे बचेगा राइट से तेरह, राइट से तेरह है, अपोजिट का क्वेश्चन है, राइट का हम तो आपको नियम बता दिए हैं, आर को सीधे बदल दो एल में, कुछ मत करो, आर को एल में बदल दो, आंसर हो गया। एल तेरह पे कौन आता है भैया? एम आंसर, बस लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट लेफ्ट बोले तो शुरू, शुरू से तेरहवा पे कौन आता है? एम। इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो हम आपको बताते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसको देखा जाए। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल आपको क्लास नहीं दे रहे हम, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं पहले से तो भी आपको समस्या नहीं होगी, इसके वजह से हम थोड़ा बहुत घुमा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को भी बता दे रहे हैं। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ को हम प्रथम अध्यांश कहते हैं, फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दी जाए, विपरीत क्रम में लिख दी जाए। देखो फर्स्ट हाफ का विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा टोटल अल्फाबेट हो गया। इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, यहाँ से एक से लेकर तेरह तक, यानी ए से लेकर एम तक को कहते हैं प्रथम अध्यांश, क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ। और हम एन से लेकर जेड तक को कहते हैं सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, यानी कि द्वितीय अध्यांश, दूसरा आधा और पहला आधा। कहता है कि प्रथम अध्यांश को विपरीत में लिख दी जाए, कैसे लिखाएगा? एम आ जाएगा यहाँ और ए चला जाएगा यहाँ, और ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, बस इतना ही बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दी जाए। फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिए, लेकिन सेकंड हाफ के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है। आप देखो इसमें ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, जिस जितना कहता है क्वेश्चन उतना ही आपको सोचना है। अगर फर्स्ट हाफ को बदला है, सेकंड हाफ के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो ये ज्यों का त्यों है, एन के जगह एन है, ओ के जगह ओ है, पी के जगह पी है, क्यू के जगह क्यू है, आर के जगह आर है, ऐसे ही जेड के जगह जेड है, इसको नहीं बदला, इसको सेम टू सेम छोड़ दिया। बदला कहाँ तक? एक से लेके तेरह तक, उसके बाद ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताओ भैया लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। आपके सामने लेफ्ट से पांचवा ऐसे अगर लिखा हुआ आएगा अल्फाबेट तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट बोले तो शुरू, पहला एक दो तीन चार पाँच, आंसर क्या होगा? आई।
डायरेक्ट मार देंगे आप। लेकिन सर इतना लिख के थोड़े आएगा आपके सामने, यहाँ तो लिखा हुआ था तो आप काउंट करके यहाँ लगा दिए, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम आपको तरीका बताते हैं कि आई कैसे निकल के आएगा। आप देखो भैया ये कितना पे आता है, ए एक पे, ये कितना पे आता है, तेरह पे। अगर हम एक में तेरह जोड़ेंगे तो कितना होगा, चौदह। कोई और को जोड़ के देखो, ग्यारह के कितना पे आता है, ग्यारह पे। सी कितना पे आता है, तीन पे। ग्यारह प्लस तीन कितना है, चौदह। अगर हम 14 में से इस 3 को घटा दे तो कितना आएगा, 11, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर हम 14 में से इस 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि इसका वैल्यू आएगा। मतलब कि इस डायरेक्शन को अगर पलट दी जाए तो पलटा हुआ वैल्यू अगर निकालना है तो आप 14 से घटा के निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा है L5 बताओ तो आप इसको 14 में से घटा दो, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 9 पे क्या आता है, आई हमारा आंसर हो गया। बताइए आपको कहाँ असुविधा है इसमें। अगर हम कहते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके, L8 = 8, L से आठवां कौन होगा। आप कहेंगे सर 8 है, 14 में से घटा दीजिए, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 6 पे क्या आता है, F, आंसर हो गया। अगर कहता है क्वेश्चन में कि L12 क्या होगा, लेफ्ट से 12 पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर 14 में से 12 को घटाया जाए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 2, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आएगा, 2 पे कौन आता है, B, आंसर हो गया। बात बुझा रही ना। अगर आपके सामने कहता है कि L15 बता दो भैया, तो लेफ्ट से 15 पे कौन आता है, सर 15। देखो भाई एक चीज और ध्यान देना है, आपका फर्स्ट हाफ जब बदलने के लिए बोला है तो फर्स्ट हाफ तो आपको बात 13 तक ही होता है, 14वां बोल देगा तो 14वां ज्यों का त्यों एन ही हमारा आंसर होगा, 15 बोलेगा तो 15 ओ का ज्यों का त्यों ही आंसर होगा। यानी कि 13 के बाद अगर कुछ भी बोलता है, यानी सेकंड हाफ का चर्चा करेगा, तो उसको तो बदला नहीं है ना, वो तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। यानी एन बोलता है तो एन लगाओ, ओ बोलता है तो ओ बोलाओ, ओ लगाओ, पी बोलता है तो पी लगाओ। बदलना कितना है, एक से लेकर सिर्फ और सिर्फ 13 तक। अगर एल से 15 बोला है तो इसका आंसर सीधे ओ मारो, काम खत्म। 12, 13 तक ही बदलेगा, 13 के बाद ज्यों का त्यों रहेगा। अगर हम इसको डबल डेटा में क्वेश्चन को ले लेंगे, जैसे कहता है कि L5 L2 = what, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो L5 L2 = क्या होगा। आप कहेंगे सर L5 L2 है, तो L5 L के बाद L है तो माइनस में चलेगा 2, तो ये हो गया हमारा कितना L3, L बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट से 3 पे कौन आता है, तो सर लेफ्ट से जो 3 है ये तो हमारा फर्स्ट हाफ है, विपरीत में लिखा है तो 14 में से घटाना पड़ेगा, 14 में से 3 को घटा लो, 11 आएगा, 11 पे कौन आता है, के हमारा ऐसा ही आंसर हो गया। बात समझ पा रहे ना, 1, 2, 3 पे कौन आता है, के आता है, 3 ही है ना, 14, अच्छा 14 में से 3, लेफ्ट 3 पूछा है तो के आंसर हो गया, लेफ्ट से 3, 1, 2, 3 हमारा आंसर के हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए L10 L2 R5 L8 = what, आप क्या करेंगे सर L10 को पकड़ेंगे, L के बाद L आएगा माइनस में, L के बाद R आएगा प्लस में, L के बाद L आएगा माइनस में, आप बताओ ये कितना हुआ। ये L तो हमारा बेस है, पहला वाला हमेशा बेस होता है, 10 + 5 = 15, माइनस में है 8 और 2 = 10, ये हो गया लेफ्ट से 5, ये फर्स्ट हाफ का पार्ट है कि नहीं है, है। अगर पार्ट है तो 14 में से घटा लो, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 9 पे क्या होता है, आई हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके सामने 2 डेटा दे 3 डेटा दे 4 डेटा दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस आपको मालूम है, आप चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको दूसरा चीज़ बताते हैं, अगर क्वेश्चन में कह दे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अंश को विपरीत क्रम में लिख दी जाए, दोनों को नहीं, प्रथम और द्वितीय दोनों को नहीं, केवल और केवल द्वितीय को अगर हम विपरीत में लिख दें तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए ये ए से लेके एम तक सीधा रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तो विपरीत है ना, प्रथम को नहीं विपरीत करेगा, इसको सेम छोड़ देगा ए से एम तक, और इसको विपरीत में लिख दिया, इसको जेड यहाँ लगा दिया, एन यहाँ लगा दिया, MNOPQR ST UVWXYZ ऐसे लिख देगा, ये नहीं लिखेगा, इसको हम हटाएंगे नहीं क्योंकि इससे इसका आगे भी की जरूरत है, इसको ए से लेके ABCDEFGHIJKLMZYXWVUTSRQPON ऐसे लिख दिया है। कहता है कि बताओ L से 10 पे कौन आएगा,
आप सोचेंगे सर एल से एल बोले तो शुरू से दस तो हमारा प्रथम अधांश में आता है, शुरू से कहाँ तक, तेरह तक तो प्रथम अधांश में है, इसको तो नहीं बदला ना, तो नहीं बदला तो इसका जेव का तेव आंसर जे मारो। लेकिन लेफ्ट से पंद्रह अगर कह देता है तो आपको दिक्कत करेगा, लेफ्ट से पंद्रहवा जो होता है वो हमारा सेकंड हाफ हो जाता है, और सेकंड हाफ को अगर पलट दिया है तो इसमें से इसको कैसे बनाएंगे। आप देखो ये कितना पे आता है, चौदह पे, ये कितना पे आता है, छब्बीस पे, छब्बीस और चौदह कितना होता है, चालीस, विपरीत का योग क्या है, चालीस, यानी कि इसको अगर हम चालीस में से घटा दें, चालीस में से पंद्रह घटाएंगे तो कितना आएगा, पच्चीस, पच्चीस पे क्या आता है भैया, वाई हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, आप काउंट करके देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह पे कौन आएगा, वाई आएगा, सही आंसर हो गया। अगर कहता है आर फाइव बता दो, क्या कहता है, आर फाइव बता दो, सबसे पहले आप आर को एल में कन्वर्ट करो, तो आर को एल में कन्वर्ट करने का हम शुरू से रास्ता बताते आ रहे हैं कि सत्ताईस में से माइनस कर दियो, तो सत्ताईस में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, बाईस। अब कहता है एल बाईस बन गया ये, अब क्या बन गया, एल बाईस। अब बताओ एल बाईस जो है फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ, आप कहेंगे सर सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ अगर है तो इसको चालीस में से घटाना पड़ेगा, तो चालीस में से घटाएंगे बाईस को तो बचेगा अट्ठारह, अट्ठारह पे कौन आता है, आर, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब चेक करके देख लो, आर से फाइव, आर बोले तो राइट, राइट राइट से पचवा देखो, एक दो तीन चार पाँच, क्या होगा आंसर, आर होगा। बात पकड़ में आ रही है आपको। एक और देखो, अगर हम कहते हैं आर से एट बता दो, आर को एल में बदलने के लिए पहले 27 में से माइनस करना होता है, 27 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 19। अब देखो एल 19 जो है ये सेकंड हाफ में चला गया, सेकंड हाफ का बात आएगा तो इसको 40 में से घटाना पड़ेगा, 40 में से 19 को घटाएंगे बचेगा 21, 21 पर कौन आता है, यू आता है, हमारा आंसर हो गया। अब चेक करके देख सकते हो आर से आठ कौन होगा, आर बोले तो राइट, राइट से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कौन होगा आंसर, यू होगा, ये हमारा सही आंसर हो गया। बात पकड़ में आ रही है आपको। अब देखो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बड़ा बड़ा, एल फाइव एल टू आर टेन आर थ्री, उसके बाद हम कर देते हैं आर टेन एल टू इजकल टू वाट, एल से शुरू हुआ ये हमारा बेस हो गया एल फाइव, एल के बाद एल आया माइनस में चलेगा, एल के बाद आर आया प्लस में चलेगा, एल के बाद आर आएगा प्लस में चलेगा, एल के बाद एल आएगा माइनस में चलेगा, पाँच तीन आठ, आठ दस अट्ठारह में से चार घटाओ चौदह, एल से चौदह आया, एल से चौदह आने का मतलब कि ये सेकंड हाफ में चला गया, इसलिए इसको क्या करना होगा, चालीस में से घटाना होगा, चालीस में से चौदह को घटाएंगे तो बचेगा कितना, छब्बीस, छत्तीस, दस, चालीस, एल से छब्बीस, लेफ्ट से छब्बीस पे कौन आता है, जेड आता है, ये हमारा सही आंसर हो गया। आप चेक करके देख सकते हो, लेफ्ट से छब्बीस जोड़ेंगे, चाहे क्या वाला है इसको अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, ये वाला लेफ्ट से चौदह पे, तो लेफ्ट से चौदह पे देखेंगे तो क्या आएगा भैया, लेफ्ट से चौदह, लेफ्ट बोले तो बाएं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कौन आएगा, जेड आएगा, जो कि हमारा आया हुआ था। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि फर्स्ट हाफ नहीं सेकंड हाफ को बदल दो तो भी बन जाएगा, अगर आपसे कहता है कि केवल और केवल फर्स्ट हाफ को बदल दो सेकंड हाफ को कर दो तो वो भी उसमें भी आपको समस्या होने वाला नहीं है। हम आपको एक और बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल दे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अधांश, दोनों अधांश बोले तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को अगर विपरीत क्रम में बदल दी जाए तो किस सिचुएशन की स्थिति पैदा होगी। देखिए अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ दोनों को बदल दीजिए, दोनों को बदलेंगे तो देखिए इस तरीके का अब नया ए बी सी डी मिल के आएगा। अब इसको हटा दो, अब इसका काम नहीं है। अगर हम फर्स्ट हाफ बदल दिए तो एम से लेकर ए तक यहाँ लिख दिए, सेकेंड हाफ बदल दिए तो जेड से लेकर एन तक यहाँ लिख दीजिए। देखिए देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा जो पढ़ने में तेज होते हैं, जो अपने आप को चतुर कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ए से जेड तक तो रियल हमारा अल्फ़ाबेट होता है, अगर दोनों अधांश बदलना है मतलब टोटल बदलना है, ये भी बात सही है, दोनों अधांश बदलना है मतलब टोटल बदलना है, लेकिन टोटल को बदलना कैसे है, जो ज़्यादा चतुर होते क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ जेड मारते हैं, यहाँ ए मारते हैं, कहते बदल गया, नहीं, प्रथम अधांश सेकंड फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का जब नाम ले लिया तो अब ए जो है यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा बल्कि वहाँ नहीं जाएगा, और एन जो जेड है वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहीं आएगा, यही हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का मेन मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि लेफ्ट से दसवा बताओ, तो सीधे सोचो कि लेफ्ट से दस किस हाफ में है, फर्स्ट हाफ में है, चौदह में से घटा दो,
फर्स्ट हाफ का मामला आएगा 14 में से घटाएंगे, सेकंड हाफ का मामला आएगा 40 में से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट 4। कौन आता है भैया लेफ्ट 4 पे? 4D। अगर आएगा लेफ्ट 22 बता, लेफ्ट लेफ्ट 12 बता दो, ये भी फर्स्ट हाफ है, 14 में से घटा दिए, लेफ्ट 2 आ गया, यानी कि क्या आता है भैया बी। अगर कहता है लेफ्ट से 15 बता दो, लेफ्ट से 15 किसका पार्ट है? आप कहेंगे सर लेफ्ट से 15 तो सेकंड हाफ का पार्ट है, 40 में से घटा दो, 40 में से 15 को घटाएंगे, बचेगा 25, 25 पे क्या आता है बताओ भैया? वाई होता है। अगर हम आर की बात करें, आर से 10 बता दो, तो आर को सबसे पहले आप एल में बदल लो, एल में बदलने के लिए 27 में से घटाना होता है, यानी कि एल का 17 बन गया। अब बताओ एल का 17 फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ है? आप कहेंगे सर सेकंड हाफ है, तो सेकंड हाफ है तो इसको 40 में से घटाना पड़ेगा, 40 में से 17 को घटाएंगे, बचेगा कितना भैया? 23 बचेगा, 23 पर कौन होता है? डब्लू होता है, इसका हमारा सही आंसर हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि R5, R1, L6, R2, L5 = what, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आर फाइव हमारा बेस हो गया, आर के बाद आर आएगा माइनस, एल आएगा प्लस, आर आएगा माइनस, एल आएगा प्लस। 5, 6, 11, 11, 5, 16 में से 3 घटा दो, 13, राइट से 13 आया, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करना होता है? 27 में से घटाना होता है, 27 में से 13 घटाएंगे, 14 बचेगा। लेफ्ट से 14 बताओ फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ है? आप कहेंगे सर सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ है तो 40 में से इसको घटा लो, घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट 26, आंसर होगा जेड। लेफ्ट से 26 पे कौन आता है? जेड आता है। देखिए जो भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पे बनने वाला क्वेश्चन था हम आपको करा दिए, इसके अलावा आपसे नहीं पूछ सकता। कल हम दूसरा चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारा जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा ना उन तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।